बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एट लास्ट हमने चूँकि जैसे कि आप लोगों की अभी तक बुक्स नहीं आपको मिली होंगी, लेकिन हमने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़नी स्टार्ट कर दी थी अपनी क्लास में। हमने सेट के बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उस 7 में भी आप लोग पढ़ चुके थे सेट के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी नोटेशन के बारे में। फिर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के बारे में चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ के आए हैं 7 क्लास के अंदर। बिल्कुल चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी वही चीज़ें हैं। जैसे कि क्लास में भी आपको मैंने ये बात बताई हुई थी कि चैप्टर नंबर जो 1 है 8 क्लास का, वो 7 के चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है। जैसे कि कल भी हमने इस चीज़ को दिखाया कि सेट वाली कुछ डेफिनेशन, उसकी कुछ टाइप्स हमने आप लोगों को दिखाई, तो उसको आप उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किया होगा और लिख के भी देखा होगा। आज हम कुछ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो 2 है आपकी बुक के ऊपर, वो है रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। आर से डिनोट करते हैं। ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि रियल नंबर क्या होते हैं। आप लोग छोटी क्लासेस में ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, इन नंबर्स के बारे में बार बार पढ़ते आ रहे हो। 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 के अंदर भी जब एक दो लेक्चर हुए तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया ये वाली वैल्यूज कौन सी होती हैं। रियल नंबर के बारे में भी आपका एक दो लेक्चर हो चुका था कि रियल नंबर क्या होते हैं, लेकिन दोबारा फिर उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर आपके पास, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि रियल नंबर क्या होंगे। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्यू यूनियन क्यू डैश। ये हमारे पास रियल नंबर की मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन होगी कि क्यू यूनियन क्यू डैश। इसको पढ़ेंगे कैसे, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर को पढ़ने के लिए आपके पास रैशनल और इरेशनल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप रैशनल और इरेशनल के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए तो फिर आप लोग रियल नंबर के बारे में जान सकोगे। सबसे पहले रैशनल नंबर्स, रैशनल डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दो तरह की डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। एक तो ये कि शॉर्ट डेफिनेशन, जैसे आप लोग पढ़ते रहे हो कि रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। आपने दो कंडीशन में लिखवाई थी कि पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये है कि रैशनल नंबर इंटीजर में से हो सकते हैं। मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि सारे के सारे रैशनल नंबर पॉजिटिव ही होंगे हमेशा, नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और साथ एक और कंडीशन लिखी है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। वो जनरल सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। मैथ के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक करोगे तो समथिंग ओवर जीरो वो कहेगा मैथ्स एरर, बटे में नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन है उसकी, लेकिन इससे पता नहीं चलता हमें कि अभी ये वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है। देखिए ना, आपके पास एक वैल्यू है 22/7, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर 3.14 समथिंग आता है। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिखी हुई है 22/7, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है ना, सेकंड, वो वाली चीज इस चीज को डिसाइड करती है कि कौन सी वैल्यू रैशनल है, कौन सी वैल्यू इरेशनल है। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन ये है कि टर्मिनेटिंग एंड रैकलिंग नंबर्स आर कॉल्ड दी रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड रैकलिंग नंबर्स आर कॉल्ड दी रैशनल नंबर्स। अब रैशनल को समझने के लिए एक तो डेफिनेशन ये हो गई, सेकंड वाली रैशनल को समझने के लिए हमें टर्मिनेटिंग और रैकलिंग का समझ में आना जरूरी है कि टर्मिनेटिंग और रैकलिंग नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग समझने कोई मुश्किल काम नहीं है, डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ये वाली है 1/2, लेट्स सपोज 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यूज आ गई। डेसिमल वैल्यू के बारे में आप लोग जानते हो, 2.4689, ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कोई भी, तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है इसका। ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे पास एक डेसिमल पार्ट है, ये वाला। तो इसका आंसर फ्रैक्शनल का डेसिमल में आ गया। अब आप चेक करो, एक तो ये है
एक क्वेश्चन ये वाला है वन नंबर थ्री, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ये आएगा 0.33333 एंड सो ऑन चलता जाएगा, शाम तक चेक करते जाएं इसको 3 आएगा। तो हमारे पास एक तो ये वाली फॉर्म है, एक ये वाली फॉर्म है, दोनों में फर्क आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 0.5 इसने एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे दिया, जब इसने हमें इसको हमने सॉल्व किया इसका आंसर 0.33333 एंड सो ऑन 3 चलता जा रहा है। अब दोनों में क्या फर्क है, ये वाली फॉर्म जिसके अंदर वैल्यूज हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है वो एक लिमिटेड मिल जाए, एक काउंटेबल मिल जाए, एक फाइनाइट मिल जाए, ये वाली जो वैल्यू होगी 1/2 इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यूज, जिसका आंसर लिमिटेड मिल जाए। और ये वाली वैल्यूज जिसमें आंसर तो लिमिटेड नहीं मिल रहा लेकिन वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, लेकिन एक बात भी कंफर्म है कि दूध आगे आने वाली वैल्यू का हमें पता होगा कि आगे भी यही वैल्यू आ रही बार बार 333 चलता जा रहा है। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पार्ट तो लिमिटेड ना हो, फाइनाइट ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता हो कि वो क्या वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास एक रेकरिंग वैल्यूज कहलाएगी। और ये वाली टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर्स, दीज आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ऐसे ही इरेशनल के बारे में क्या कहेंगे, इरेशनल इरेशनल वैल्यूज Q डैश से इसको नोट करेंगे, दोनों डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे। यहां हमने लिखा था कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, यहां पे लिखेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहां पे हमने लिखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स, इधर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल के लिए क्या करेंगे कि देखें टर्मिनेटिंग क्या थे, जिसका आंसर हमारे पास लिमिटेड मिल जाए, जिसका डेसिमल पार्ट हमारे पास लिमिटेड मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए, वो टर्मिनेटिंग था, लेकिन जिसका फाइनाइट ना मिले वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जिस तरह ये वाली एग्जांपल है, बिल्कुल ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसका डेसिमल पार्ट जो है वो चलता जा रहा है, या ये कह लें कि सॉल्व करते हुए जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, बार बार वैल्यू आती जा रही है, वो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। और ऐसे ही नॉन रेकरिंग में क्या होगा, नॉन रेकरिंग रेकरिंग में तो ये था कि पॉइंट के बाद वैल्यू तो नहीं रुक रही, चलती जा रही है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, बार बार कोई ना कोई नंबर आता जा रहा है, लेकिन ये बात का हमें रेकरिंग में पता था कि वैल्यू कौन सी आ रही है। लेकिन नॉन रेकरिंग में इससे उलट होगा कि एक तो यही बात के रुकेगा नहीं, फाइनाइट नहीं होगा, सेकेंडली नंबर भी रिपीट नहीं होगा, बार बार वैल्यू वो नहीं आएगी, आने वाला हर नंबर चेंज होगा। बिल्कुल यही वाली एग्जांपल इसके अंदर भी आप चेक कीजिएगा कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है रैशनल वाली वैल्यूज और इरेशनल वाली वैल्यूज दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों को यूनियन करेंगे, इसमें सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी जो हमें पता होगी, जो रैकिंग होगी, जो नॉन रैकिंग होगी, जो टर्मिनेटिंग होगी, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जो प्योर टू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जो प्योर टू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो सारी सारी वैल्यू इकट्ठी करके हमारे पास एक बड़ा नंबर बन जाएगा, वो हमारे पास होगा एक रियल नंबर। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल दोनों की जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर बन जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, रियल नंबर के बारे में जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है वो सारे का सारा आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखना है और डेफिनेशन खुद से लिखिएगा, रियल की डेफिनेशन, रैशनल की डेफिनेशन, रैशनल में टर्मिनेटिंग की, रेकरिंग की डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन, नॉन रेकरिंग की डेफिनेशन, इनकी दो दो तीन तीन एग्जांपल खुद से दीजिएगा। इस सारी की सारी डेफिनेशन लिखने के बाद इसको याद कीजिएगा, नेक्स्ट हम कल से अपना और टॉपिक स्टार्ट करेंगे।